हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिव्यांशु भैया की आप सभी को राम राम है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2024 की बिग बिलियन डेज की सेल के अंदर आप लोग कौन से आईफोन किस प्राइस पर देखने के लिए मिलेंगे, कौन से आईफोन के ऊपर आप लोगों को सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा एंड किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है ताकि जो आईफोन आप लोग परचेज करना चाहते हैं उसको आप लोग लोएस्ट प्राइस के अंदर परचेज कर पाए, सारी सारी बातें करेंगे। इसलिए बिना टाइम वेस्ट के चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आप लोगों को ये बता दूं कि इस साल बिग बिलियन डेज की सेल आप लोगों को कब देखने के लिए मिलेगी, देखिए दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को सितंबर के लास्ट वीक में आप लोगों को इस साल 2024 के अंदर बिग बिलियन डेज की सेल एंड अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल देखने के लिए मिल जाए। 23 से लेकर 30 सितंबर तक आप लोगों को सेल देखने के लिए मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर डेट पे यहां पर सेल आने के हाई चांसेस है। वहीं अगर आप लोगों से बात करूं तो दोनों सेल आप लोगों को एक साथ देखने के लिए मिलेगी, अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज की सेल। कौन कौन से आईफोन के ऊपर आप लोग कितना डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, 2024 की बिग बिलियन डेज की सेल के अंदर जो आप लोगों को सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा वो आप लोगों को आईफोन 15 के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हर साल का ट्रेंड यही रहा है कि जब भी यहाँ पर नया फोन लॉन्च होता है, सितंबर के मंथ में आईफोन 16 लॉन्च होने वाला है, आईफोन 16 के लॉन्च के बाद जो आप लोगों को हर साल सेल के अंदर जो सबसे ज्यादा कम प्राइस के अंदर फोन देखने के लिए मिलता है वो उससे जो पहली जनरेशन वाला फोन होता है उसके ऊपर आप लोगों को डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है। जैसे कि जिस ईयर आईफोन 14 लॉन्च हुआ था तो सेल के अंदर आप लोगों को सबसे ज्यादा डिस्काउंट आईफोन 13 के ऊपर देखने के लिए मिलता था। जब यहाँ पर आईफोन 13 लॉन्च हुआ था तब आप लोगों को सबसे ज्यादा डिस्काउंट आईफोन 12 के ऊपर देखने के लिए मिला था। तो ये ट्रेंड है कंटिन्यू होगा इस साल जो आईफोन 16 लॉन्च होगा, तो आईफोन 15 के ऊपर आप लोगों को सबसे ज्यादा आप लोगों को डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा एंड सबसे ज्यादा अगर आप लोगों का कोई आईफोन खरीदने में फायदा है तब वो इस साल आईफोन 15 को परचेज करने में ही आप लोगों का फायदा है। अब अगर आप लोगों से बात कर लूँ कि कौन सा आईफोन आप लोगों को इस साल सेल के अंदर नहीं मिलेगा, आईफोन 13 मिनी इस साल आप लोगों को सेल के अंदर नहीं मिलेगा। अगर आप लोग लेना चाहते थे तब हो सकता है कि आप लोग जो थोड़ा सा निराश हो जाए, ये फोन अब यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो चुके हैं और सेल के अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आईफोन 13 से यहाँ पर स्टार्ट होने वाली चीज़ें, आईफोन 13 इस साल आप लोगों को इफेक्टिवली 35,000 रुपीज का पड़ेगा। देखिए 40,000 रुपीज़ का तो आप लोगों को 2023 के अंदर मिल रहा था, लेकिन वो कैसे मिल रहा था कि 46,000 रुपीज़ की इसकी डील प्राइस आई थी, 3,500 रुपीज़ का आप लोगों को यहाँ पर एक्सचेंज बोनस देखने के लिए मिल रहा था एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को एडिशनल यहाँ पर 2,000 रुपये का अगर आप लोग अपना कोई पुराना फोन एक्सचेंज कर रहे थे उसके ऊपर आप लोगों को एक्सचेंज बोनस मिल रहा था। तो इफेक्टिवली ये जो फोन था ये आप लोगों को अंडर 40,000 रुपीज़ मिल रहा था। इस साल जो आईफोन 13 है वो आप लोगों को 40,000 रुपीज़ की डील प्राइस के ऊपर देखने के लिए मिलेगा, 2,500 रुपये का आप लोगों को कार्ड डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, 2,500 रुपये का आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग अपना पुराना फोन एक्सचेंज करेंगे तो इस तरीके से इफेक्टिवली मिला जुला के ये जो फोन है ये आप लोगों को अंडर 35,000 इस साल जो है पड़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को कन्फर्म बता दूं कि आप लोगों को उसके लिए अपना पुराना फोन एक्सचेंज करना जरूरी है। अगर आप लोगों के फोन की वैल्यू 6,000 रुपये आती है तब 6,000 रुपये प्लस उस पर्टिकुलर फोन के उस पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर आप लोगों को 2,500 रुपये का एक्सचेंज बोनस देखने के लिए मिलेगा, तो इफेक्टिवली आप लोगों को 8,500 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल गया। तो इस तरीके से जो फोन है वो आप लोगों को अंडर 35,000 मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो भी आप लोगों की फोन की पुरानी एक्सचेंज वैल्यू हो, जैसे कि अगर 5,000 रुपये एक्सचेंज वैल्यू थी तो वो 5,000 रुपये भी कम होंगे, मतलब कि अगर आप लोग अपना पुराना फोन एक्सचेंज करेंगे तब आप लोगों को 30,000 रुपीज के अंदर भी आईफोन 13 मिल सकता है आप लोगों के पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू लगा देने के बाद। ये प्राइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एंड अगर आप लोग डायरेक्टली एक्सचेंज करेंगे, अगर आप लोगों का बहुत ज्यादा गंदा फोन है, बहुत ज्यादा घटिया फोन है, तब फिर भी आप लोगों को दोस्तों 3,000 से लेकर 3,500 रुपये का एक्सचेंज बोनस तो मिल जाएगा, क्योंकि 2,500 रुपये का आप लोगों को एक्सचेंज बोनस वैसे भी मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एड ऑन करना चाहूंगा कि ये जो 2,500 रुपये का जो एडिशनल डिस्काउंट है ये आप लोगों को हर फोन पर नहीं मिलता है, कुछ सिलेक्टिव फोन जो नए फोन है, 5G फोन है एंड उसके साथ 4G फोन है लेकिन अच्छे फोन है, उनके ऊपर ही आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मेरा कोई भी मैं पुराना घटिया फोन यहाँ पर एक्सचेंज में दे दूंगा तब उसके अंदर आप लोगों को ये डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों को एक ठीक ठाक फोन एक्सचेंज के अंदर देना पड़ेगा अगर आप लोग एडिशनल एक्सचेंज बोनस लेना चाहते हैं। तो दूसरी अगर आप लोगों से बात कर लूँ आईफोन 14 के बारे में, तो आईफोन 14 इस साल आप लोगों को 46,000-47,000 रुपीज़ के अप्रोक्स पड़ने वाला है और ये भी आप लोगों को सेम उसी तरीके से यहाँ पर मैं फोन मिलेगा। और जो बेस्ट डील इस बार रहने वाली है वो रहने वाली है दोस्तों आईफोन 15 के ऊपर, और उसी के साथ साथ जो आईफोन 15 है वो आप लोगों को इस साल 50,000 रुपीज़ का पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, 50,000 रुपीज़ का आप लोग कैसे पड़ेगा, वही सेम सिनेरियो, पुराना फोन एक्सचेंज करो, SBI का क्रेडिट कार्ड लेके आओ या फिर ICICI बैंक का, अमेजोन के ऊपर या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर, तब आप लोगों को ये डिस्काउंट के अंदर ये फोन जो है पड़ने वाला है। वहीं अगर आप लोगों से बात कर लूँ प्रो एंड प्रो मैक्स वाली सीरीज के बारे में, तो प्रो एंड प्रो मैक्स सीरीज की जो भी प्राइस चल रहे होंगे उसके ऊपर यहाँ पर 20,000 से 22,000 रुपये जो है डायरेक्टली कम हो जाएंगे। प्रो एंड प्रो मैक्स वाली सीरीज के ऊपर आप लोगों को इतना ज़्यादा बड़ा ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि उन लोगों को ही पता है कि हाई टिकट फोन है जो लोग प्रो एंड प्रो मैक्स वाले वेरियंट परचेज करते हैं उनकी वैसे ही पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा डिस्काउंट आप लोगों को इनके ऊपर देखने के लिए नहीं मिलता है, ज़्यादा फायदा भी नहीं है उनको परचेज करने का। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तब आप लोग देख सकते हैं 20,000 से 22,000 रुपये का डिस्काउंट आप लोग
लोगों को उन फोन के ऊपर देखने के लिए मिलेगा मिला जुला करके। तो दोस्तों बहुत सारी कहानी थी आईफोन की अभी आने वाली सेल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग कोई सवाल हो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं चाहता हूँ ज़्यादा अगली बार दोस्तों फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।